सत्ता में काबिज होने कांग्रेस का 18 साल का इंतजार बहुमत के साथ समाप्त हो गया है। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी विक्रम आहा के 26 पार्षदों के साथ नगर निगम में सरकार बनाने जा रहे हैं। इस बार भाजपा पर जनता ने विश्वास नहीं दिखाया है। पूरी ताकत झोंकने के बाद भाजपा के केवल 18 पार्षद ही जीते हैं। भाजपा के इस करारी हार के पीछे बगावत ने भी बड़ा किरदार निभाया है। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी विक्रम आहा के को 64,363 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के अनंत दुर्वे 60,577 वोट ही हासिल कर सके हैं। इस हिसाब से विक्रम आहाके ने 3,786 वोट से जीत अपने नाम दर्ज की है। शहर में पार्षदों के चुनाव को लेकर पूरे शहर की नजरें वार्ड क्रमांक 25 पर टिकी थी। यहां से भाजपा के दिग्गज नेता विजय पांडे ने शानदार जीत हासिल की है। पार्षद चुनाव में ये उनकी लगातार 6वीं जीत रही है। जीत हार के नतीजों में इस बार 4 निर्दलीय पार्षद भी जीत कर आए हैं। छिंदवाड़ा में शहर सरकार का चुनाव कांग्रेस और भाजपा दोनों की प्रतिष्ठा दांव लगी थी। छिंदवाड़ा शुरू से ही कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ रहा है, जबकि भाजपा पिछले 15 सालों से नगर निगम में काबिज थी। इस बीच प्रत्याशियों को जिताने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार दौरा किया, जिसमें सभा और रोड शो किया गया था। इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया था। अंततः कमलनाथ के गढ़ को भेदने में भाजपा कामयाब नहीं हो सकी। अमरवाड़ा में नगरपालिका परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। रविवार को हुई मतगणना में भाजपा के 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के 6 पार्षद चुनकर आए और 1 पार्षद बहुजन समाज पार्टी का जीता। 2 वार्डों में मुकाबला रोचक रहा, जहां प्रत्याशियों ने 1 और 3 वोटों से जीत हासिल की। नगर में हुए नगरीय निकाय चुनावों के नतीजों के बाद पूरी स्थितियां स्पष्ट हो गई हैं। नगर में भाजपा ने भगवा लहराते हुए 9 वार्डों पर जीत के साथ ही अपनी दावेदारी अध्यक्ष पद हेतु पेश कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस के 5 प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल कर कांग्रेस को नगरी निकाय में अपनी उपस्थिति बरकरार रखी। इसके साथ एक अन्य प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से विजयी हुए हैं। सुबह से ही मतगणना स्थल पर चहल पहल देखी गई। जीतने के बाद भाजपाई खेमे में खासा उत्साह देखा गया। भाजपा प्रत्याशियों और नेताओं ने ढोल धमाके के साथ विजय प्रत्याशियों का स्वागत किया।